ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट की रात में एक सामूहिक विवाह का एक रिसेप्शन चल रहा है। यहाँ से एक एक करके लोग आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और ये लोग आएंगे शगुन दे के जाएंगे। ऐसे आपका बड़ा प्यारा नाम है जन्नत जुबेर रहमानी जी, तो इतना बड़ा नाम है तो आपका बॉय कैरी करता है कि आप खुद ही लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद अकेले कैरी कर लेती हूँ एवरीडे। आज समझ में आया कि लोग क्यों मर के जन्नत में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे करण, बहुत प्यारे। सुपर। हाँ ना, आपने बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे लाइफ में? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। मैंने सोचा नहीं था कि जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ उनके साथ आज बैठा हूंगा और इतनी छोटी उम्र में, एज इन मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ अपने। कितनी उम्र है? 20। तमीज से बात कर, नीचे बैठ। बस मुझे यही डर था। आपका बहुत डर फैला हुआ है यूं। मेरा? हाँ। 20 साल में शो मिल गया, तुमने 11 साल में क्या उखाड़ा? अच्छा, ऑडिशन की बात कर रहे थे करण धीरज, तो जनरली बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं एक्टर को कि सुबह जाओ बैग लेके, पानी का बोतल, जाओ ऑडिशन दो। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप सारा दिन वेट करते रहे, शाम को फिर एक राजपाल यादव जैसा बंदा अंदर से निकला और आपको मुंह पे बोला यू नॉट फिट ब्रो? मेरे साथ हुआ है सर, बिकॉज मैं मॉडल बनना चाहता था पहले, रैंप मॉडल, लेकिन हाइट की वजह से रैंप मॉडलिंग नहीं कर पाया, तो आई स्टार्टेड प्रिंट मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कमर्शियल्स। तो कमर्शियल्स के जो ऑडिशंस होते थे सुबह जाते थे और शाम को यू आर नॉट फिट और सिलेक्शन नहीं हुआ, बट स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स एंड टिल टुडे आई हैव डन लाइक अराउंड 130 एड्स फॉर द बिगेस्ट ब्रांड। करण, आपने ऑडिशन दिया? ऑडिशन तो दिया था, लेकिन जो रोल मिला है वो रोल नहीं, वो प्रॉपर्टी था। सेट भी क्या होता है, कहीं बल्ब खराब होता है, कारपेट फटी है, बेटा थोड़ा लेफ्ट हो जा, आम बस वहीं रुक, कारपेट छुपानी है, बेटा राइट हो जा, बेटा बल्ब नहीं छुपा। तो शुरू वन में वहाँ से किया था। 3 महीने बाद पहला डायलॉग आया, भाभी माँ, वो भी बैकग्राउंड स्कोर में कट गया। बट बलराज एक बात बताऊँ, ऑडिशन के बाद रोल मिलने का ना मजा अलग है। मेहनत करके खाने का बिल्कुल करण, आपकी सीरियल है उसमें जो आपके ससुर हैं रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ में भी आपके ससुर हैं? जी हाँ। क्या आप शूटिंग के दौरान आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार लड़की जो भी हो ससुर मुझे अच्छा लगता है, ससुर मुझे यही चाहिए? बिल्कुल, एकता ने आज तक बहुत कुछ दिया है, काम भी दिया है, और मुझे बीवी से 2 साल पहले ससुर दे दिया उसने। पहला ऐसा आदमी है जिसको ससुर 2 साल पहले मिला बीवी उसके बाद। कमाल है यार। वैसे उसके लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, बंदा फंस जाता है यार, क्योंकि पूरे दिन ससुर की निगरानी में रहना, बंदा चाह के भी किसी पे लाइन नहीं मार सकता। मुझे टाइम टाइम की खबर रहती है, करण पहुंच गया, करण का शॉट अभी नहीं है, एक सीन का ब्रेक है, करण का ब्रेक, शूट पैकअप हो गया है, वो जिम के लिए निकला है। हमारे किस्से में फंस गया राजा मुराद गुड्डू में। अच्छा, वैसे आज हमारे सारे कपल्स यहाँ पे मौजूद है। गर्ल्स, अगर मैं आपसे कहूंगा कि यार ये लड़के बड़ा परेशान करते हैं जब भी आपको बोलते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, तो मैं चाहता हूं कि आप आज इन बॉयज को दिखा दें कि कितना मुश्किल होता है यार खूबसूरत दिखना, तैयार होना, और वो भी कम समय में। अच्छा, हमारे केस में रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे केस में मैं 15 मिनट में तैयार होती हूँ पर इनको 2 घंटे लगते हैं। उठने में 2 घंटे लगते हैं, तैयार होने में 2 घंटे? तैयार होने में भाई क्या करते हो 2 घंटे? आलसी होता हूं मैं। पहले कबर्ड से 100 डेनिम्स निकलती हैं, वो ट्राई होती हैं, फिर उसमें से एक भी अच्छी नहीं लगती, फिर 200 टी-शर्ट्स निकलती हैं, वो भी अच्छी नहीं लगती। ये भी ऑडिशन का नतीजा है। बहुत दिए और एक मिला ना, तो ये यार ज़हन में बैठ गया। चलिए एक ऐसा गेम खेलते हैं दिया कि मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ, दैट्स हाउ आई आल्सो गेट रेडी, फटाफट 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 10-15 मिनट में। आई होप यू डोंट लुक लाइक दैट अपर। ये कितने दिन की दाढ़ी है आपकी धीरज? 20 दिन बस। दीपिका 4 दिन ना जाए इससे बड़ी आ जाती है, पता है। आपके पहले शो में आप ही की बीवी थी ना ये? ये बड़ा अच्छा सीरियल था, गिनीज बुक में नाम गया इनका, पहली बार किसी औरत को मक्खी ने रिप्लेस किया इंडियन टीवी पे।